आज के दिन कुछ यूनिक आइटम मिलने वाला है। मुझे भी नहीं पता, ये सस्पेंस है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, कैसे हैं आप लोग? खुशबाश हैं, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है ना भाई, अभी सो के उठे हैं, वालदा मोहतमर को पता नहीं क्या हो रहा है, रोजा लग रहा है भाई, और जबकि रोजा मेरा भी है माशाल्लाह से। भाई आज की एक्टिविटीज जो है ना हमारी काफी अच्छी यूनिक भी होने वाली है, आपको भी मजा आएगा उसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। रोज़ाना बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, कभी कभी जो है वो वीडियोस जो है वो लेट होती हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे आप लोगों को टाइमली जो है ना वीडियोस वगैरह देने। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करा करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी व्यूज़ तो आ रहा है वीडियोज़ पर, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। जो है ना अभी ठीक जो है 12:05 हो, अभी वालदा जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? क्या अच्छा गुजर रहा है? बेहतरीन गुजर रहा है। रोजा लग रहा है? रोजा लग रहा है। अच्छा, ये आज के दिन जो है वो अफतारी में हमें क्या मिलेगा आज खाने के लिए? आज के दिन कुछ यूनिक आइटम मिलने वाला है। मुझे भी नहीं पता, ये सस्पेंस है। सस्पेंस हो गया, अब वालदा को खुद नहीं पता, क्योंकि आपने नहीं बनाना क्या ये? नहीं, भाभी ने बनाना। अभी तो अफ्तार में काफी टाइम है, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप कितना टाइम अभी बाकी है? 7 घंटे। ओए होए, अभी तो भाई 7 आवर्स जो है वो बाकी है। समोसे बनाएंगे? सिर्फ समोसे बनाएंगे। हाँ, और बकाया कुछ यूनिक वो एक अलग आइटम है। तो भाई सिर्फ समोसे बनाने हैं और सिर्फ यूनिक आइटम जो है वो खाने को मिलेगा आज हमें। खरबूजा है हमारी एक चीज वेट कर रही है, गार्डनिंग हमारी ना। तो सुबह सुबह मेरी रूटीन ज्यादातर यही होती है कि अगर जैसी बंदा उठ जाए, या तो पहले जो है वो बाहर का मौसम जो है एंजॉय करे देखे, या फिर सबसे पहले जो है वो गार्डनिंग देखे फ्रेशनेस के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई गार्डनिंग का इस वक्त क्या हाल है। वाले साहब जो है कुछ फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, ये अभी आपको बोल रहे थे शॉपिंग का प्लान, अचानक क्या बनाने का? मैं कह रहा हूँ मुर्गी खाएंगे या मछली फ्राई करेंगे। अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक कि भाई मुर्गी खानी है, मछली फ्राई करनी है, कि आज के दिन जो है। अच्छा, ये सिर्फ अफ्तारी के लिए है? ये अफ्तारी के साथ ही जब उन लोग रात का खाना। अच्छा, अभी तो सोचा जा रहा है, लेकिन कुछ यूनिक आइटम है जो वालदा ने आपको बताया कि वो भी देखेंगे कि क्या बन रहा है आज। अभी कहाँ चलना है हमें? कहाँ चले बोले बताए, गोश्त लेने जाए या मछली लेने? कहाँ जाना चाहिए? गोश्त। मैं तो कह रहा हूँ यार, काफी टाइम हो गया मछली खाए हुए। गर्मी है, मछली नहीं। तो मतलब मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा है ना, तो मछली का नहीं है ये मौसम। तो फिर मुर्गी ले रहे हैं या बछिया का गोश्त? गोश्त भी, चिकन भी। गोश्त और चिकन, मतलब ये दो गोश्त और चिकन दोनों बोल रही है वालदा। चलो फिर दोनों ले लेते हैं। गोश्त और चिकन जो है वो दोनों डिसाइड हो गए हैं वो लेने जाने। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है, और आप लोगों के साथ जो है ना बहुत सी चीज़ें शेयर करनी थी, लेकिन पहले परचेजिंग है भाई, तो पहले परचेजिंग करके आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप घर में कैसे? बस वो आज जो है वो थोड़ा सा रोजा भी है मेरा। पकौड़े वकौड़े कम खाए आप? हाँ भाई बिल्कुल, वाकई में यार रमजानों के दिन में जो है ना पकौड़े कम खाने चाहिए, और आपका पेट का निजाम सही रहेगा तो सेहत भी सही रहेगी। तो भाई फाइनली जो है वो अभी चाबी वगैरह ले ली है, अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वालदा ने जो है ना ये देखे आप भाई, टोकरी वोकरी सारी चीजें ले ली है। चले हम लोग, क्या कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने के लिए। तो भाई अभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो आपको वो परचेजिंग भी दिखाएंगे, अदरवाइज आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। वालदा जो है ना इस वक्त ये देखे पैसे लेते हैं, और परचेजिंग हो चुकी है हमारी तकरीबन। अच्छा, ये कलेजी लिए भाई, ये चक्कर यहाँ जो है ना। अब ये देखें भाई परचेजिंग हो चुकी है, और माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी जो है ना परचेजिंग करी है। अभी भाई जो है ना सब्जी के कहाँ पे आ गए, सब्जी वाले पोर्शन में आ गए भाई, वाले सब बोलना। दुकाने ढूंढते हुए वाले साहब की चिकन की दुकान जो है मजबूत और कहाँ चली गई। अभी जो है ना भाई डिस्कशन चल रही है कि वाजी लेना चाहिए या जो है पूरी मुर्गी लेनी चाहिए। देखें अभी वाला जो है ना परचेजिंग करते हैं।
इंडिया से आ गए वापस। देखिए भाई परचेजिंग कर लिए अभी और वाले पास चिकन भी ले लिया, गोश्त भी ले लिया। अभी वाले साहब जो है ना पूछते हुए कि भाई और कुछ लेना है? सब ले लिया है भाई, अभी दूध रह गया है और परचेजिंग तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपको कोशिश ये की है कि भाई परचेजिंग भी दिखा सको, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई फाइनली जो है ना माशाल्लाह से अपने घर आ चुके हैं और अभी वाले साहब के हाथ में देखें भाई ये टोकरी है। भाई शॉपिंग हो गई? जी हाँ हो गई है। तो ये मतलब क्या क्या खरीदा है ये आपने वीडियो में बताया नहीं, वरना आप फौरन शुरू हो जाती हैं कि आज हमने ये खरीदा। अभी बताती। तो भाई सीन कुछ ऐसा आप ये देख सकते हैं, अभी सामने गार्डनिंग का मैंने आपको बताया था, ये देखें कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह से भाई अभी जो है ना गार्डनिंग हुई हुई है और अभी इनको जो है ना पानी वगैरह भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये देखें फ्रेशनेस चेक करें भाई आप, वो ऐसा लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई। जल्दी है भाई गर्मी जो है ना बहुत शिद्दत आज ज़्यादा है ना भाई। अभी जो परचेजिंग करके आए ना उसकी अनबॉक्सिंग चल रही है, ये चेक करें आप लोग। बताइएगा कि पहले की परचेजिंग में और अब की परचेजिंग में क्या फ़र्क है, कोई डिफरेंस दिखा है आपको परचेज करते हुए? जैसे आप पहले शॉपिंग करती थी और अब करती थी कोई? आज अच्छा लगा, मार्केट मार्केट गए ना, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई ने जो है ना भाई वैसे भी सबकी कमर तोड़ी है, तो अल्लाह ताला बस रहम फरमाए और हम लोग सब लोग जो है ना सबके नसीब। तवा के लीजिए, वैसे आप लोग बना नहीं सकते, जो बाजार में मिलती है ना भाई आप लोगों ने। अच्छा तो भाई आपको बनाना खरबूजा गरमा सब मिल जाएगा और माशाल्लाह से कि भाई वो जेडीसी वालों ने जो है ना वो चलाई थी अपनी मुहिम चलाई थी परचेजिंग ना करने की टूटी, तो जिससे काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना फर्क पड़ा है और अभी हमें आधे से भी आधे रेट में जो है ना माशाल्लाह से फ्रूट जो है वो मिल चुके हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई केले भी हैं, खरबूजा भी है, वो चीज़ें हैं जो आम बंदा जो है परचेज करके और अपने घर में जो है ना लेके जा सकता है। तो भाई सल्यूट है और सल्यूट फॉर जेडीसी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जफर अब्बास साहब। देखें ये इसको देखो कैसे डांस कर रही है, कैसे डांस कर रही है, किसके डांस कर रही है। आपने आपको अभी दिखाते हैं कि अभी जो है ना सफाई चल रही है अंदर और वाले साहब जो है ना सब बकरों को एज पर शेड्यूल जो है ना अंदर कर, वही जानवर की तरफ सफाई कर रहे जिसको मुझे मारा था। ये देखो भाई वही जानवर की सफाई हो रही है जिसने रामेश भाई को जो है ना फाइट की थी रामेश भाई से। सफाई चल रही है आपको, इसको देखें, ये देखें, ये देखें कैसी हरकतें कर रही है। सफाई रमेश भाई जो है ना हमारे आगे खड़े हैं अभी सफाई, ये ना सब डायरेक्शन देते हुए आते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें। रमेश भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, ये आ गए ऑफिस से? आ गए आप? बिल्कुल आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस से ही आए। जबरदस्त हो गया भाई, ऑफिस से आ गए और अभी जो है ना भाई जानवरों की जो है ना ये अभी देखें इसको भी हमारी पेंट कर रही है, ये देखेंगे जो है बैठी हुई है परचेजिंग करके आई है। इनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं, गर्मी बहुत थी ना। कहाँ पर? बाजार में। कैसा गुजरा आज का रोजा? बहुत सख्त लगा, गर्मी थी ना। अच्छा ओए, तो भाई फाइनली जो है अफ्तार लग चुकी है, आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा दस्तखान लगा हुआ है, सिर्फ जो है ना तरबूज है, खरबूजा है और सिर्फ हमने जो है सालन बनाया। अच्छा कुछ आज खास बोल रही थी कि यार वो खास जो है बनाएंगे आज, खास नहीं बनाया ना, फिर ये सालन को देखते हुए जब पूरी फरमाइश की फ्राई पकाओ। आज तो भाई फ्राई गोश्त है, फ्राई चिकन है या गोश्त है? चिकन फ्राई चिकन बनी हुई है भाई और ये रोजे के अंदर जो है ना जैसे अफ्तार करनी है। कुछ एक यूनिक बनाने वाले थे, क्या यूनिक? ये नहीं सस्पेंस है, ये सस्पेंस है भाई। अब ये कब बनता है यूनिक, ये आपसे शेयर करेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, बस उसके लिए डबल रोटी वगैरह आ चुकी थी। यूनिक खाने का मिल रहा था, आज क्या हुआ? कल मिलेगा भाई, सबको रोक दिया है हमारी वालदा ने और क्या यूनिक है वो भी दिखाएंगे आपको। ये अभी दस्तखान लगा हुआ है और अभी अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद आपसे मुलाकात होती है, नमाज से पहले मुलाकात होगी ताकि हम अपने व्लॉग को जो है ना एंड कर सकें। ओए होए 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 भाई अभी जो है अजान हो गई है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अच्छा वालदा जो है अभी रिव्यू देते हुए क्या बोलनी आप? सालन मजा आ गया, कैसा बना है? बेहतरीन। ओहो अभी भाई सालन भी ट्राई करेंगे, वो खाने के बाद चलाना।
अच्छा बना है, अच्छा बना है, जबरदस्त बना है भाई। आज ये अफ्तार के अंदर जो है ना चिकन कढ़ाई चल रही है। A few moments later. तो भाई फाइनली जो है इफ्तार हो चुका है और रामिस भाई इस वक्त सामने ही बैठे हुए हैं। ये देखें कि भाई नमाज पढ़ने जाना है, टाइम हो गया। बहुत मजा आया। हाँ बहुत मजा आया भाई। और आप जो है ना आज की इफ्तारी भी जो है ना गुजर गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा। तो अभी जो है भाई फाइनली इफ्तारी कर चुके हैं, कम्प्लीट हो गई है। चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर बेल आइकन का बटन दबाना। मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।